श्री साईराम आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के ऊपर, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। आयुर्वेद में जो मधुमेह बीमारी बताई है उसको हम डायबिटीज़ से कोरिलेटेड करते हैं, लेकिन ये कितना सच है? डायबिटीज़ मतलब मधुमेह सच में होता है क्या? डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको पेशाब ज़्यादा होता है, ब्लड की जो शुगर लेवल है ब्लड के अंदर वो बढ़ती है, किडनी के ऊपर प्रेशर आता है, क्रिएटिन लेवल बढ़ जाता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मधुमेह के अंदर सिर्फ पेशाब ज़्यादा होता है और उसको हम मधुर रस ज़्यादा होता है, जो मीठी जो चीज़ें होती है वो उसके अंदर बाहर निकलती ज़्यादा, इसलिए हम उसको मधुमेह कहते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे और ये जो बीमारी है इसको हम आयुर्वेदिक पद्धति से कैसे ठीक करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये जो वीडियो है वो पूरा आखिर तक पूरा ज़रूर देखिए, इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और डायबिटीज़ या मधुमेह के अंदर की जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। डायबिटीज़ इसकी मेडिसिन जो कॉस्ट होती है वही कॉस्ट आपके करेले का जूस या नीम का जूस, इसका कॉस्ट जो है ना वो लगभग सेम होता है। हर एक जो अगर महीने का हिसाब देखेंगे तो ये सेम होता है, लेकिन डायबिटीज़ की गोली खा के आपका डायबिटीज़ ठीक नहीं होता। या गिलोय का जूस या नीम का जूस, करेले का जूस, इसका जो इसको हम अगर लेते हैं तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रह सकती है, वो ठीक नहीं होता है। इसका मतलब डायबिटीज़ ठीक नहीं हुआ, वो सिर्फ कंट्रोल में रह रहा है और आपको पूरी ज़िंदगी गोली भी लेती रहनी पड़ेगी और नीम और करेले का जूस भी लेना पड़ेगा। ये कोई इलाज नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है। नीम का जूस लेना ये आयुर्वेद नहीं है। अगर हम डायबिटीज़ को मधुमेह के साथ कंपेयर करेंगे तो मधुमेह के सिम्टम्स जो है ना वो अलग है। मधुमेह में मीठा ज़्यादा से निकलता है पेशाब के अंदर, उसमें ऐसा एक रेफरेंस मिलता है कि चीटियाँ लगती है उस पेशाब को, वो ज़्यादा बार पेशाब जाना पड़ता है, ये मधुमेह का लक्षण बताया है। थोड़े बहुत ये सिम्टम्स डायबिटीज़ में भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि उनको शुगर के साथ साथ सिर्फ शुगर है लेकिन बार बार उनको पेशाब नहीं जाना पड़ता। स्टार्टिंग में होती है लेकिन बाद में नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डायबिटीज़ ठीक हो गया। पेशाब अगर नहीं होता है लेकिन शुगर आपके लेवल ज़्यादा है, वो एलोपैथिक के हिसाब से वो अलग है और मधुमेह जो है ना वो अलग होता है। मधुमेह जो है वो एक टाइप होता है। आयुर्वेद के जो ग्रंथों में प्रमेह नाम का एक अध्याय है या जो व्याधि है वो बताई है, उसके अंदर टोटल 20 टाइप है। उस 20 टाइप में जो 20 नंबर का है, जो लास्ट वाला है, वो है मधुमेह। अभी हम बात करेंगे प्रमेह के ऊपर। प्रमेह क्या होता है? प्रमेह में बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ये जो पेशाब जो होता है वो किस टाइप से होता है, किस टाइप का होता है या फिर किस तरीके से होता है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, या उसके ऊपर से पेशाब तकलीफ़ क्या हो सकती है, पेशाब की जो ज़्यादा निकल रहा है, गर्म होती है, ठंडी होती है पेशाब, किसी किसको जब पेशाब करते हैं तो वो जो पेशाब है ऐसा लगता है गर्म निकल रही है, तो उसके ऊपर जो प्रॉब्लम होती है उस बीमारी को हम प्रमेह कहते हैं। तो प्रमेह के अंदर सबसे मेन जो दोष होता है वो है आपका कफदोष। अगर हम कफदोष को जो बढ़ने वाली चीज़ें हैं अगर उसको हम देखेंगे तो उसमें जो नए चावल है या नए अनाज है जो अभी अभी खेत से निकल के हम लोग घर में लेके आके हम उसको खा रहे हैं तो उससे आपका कफदोष बढ़ता है। दूध, दही, घी, मिश्री, शक्कर, ये चीज़ें से भी शरीर में कफदोष की मात्रा बढ़ती है।
साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो चीज़ें होती है जैसे आलू हो गई, या वैसे ही चने की दाल, तुअर की दाल, ये जो चीज़ें हैं इसके कारण से कफ दोष बढ़ता है। दिन में सोना, ज़्यादा सोना, व्यायाम या एक्सरसाइज न करना, बैठे रहना हमेशा, इस कारण से शरीर में कफ दोष जो है ना वो बढ़ता है। अभी कफ दोष की जो भी कफ दोष बढ़ाने वाले जो गुण होते हैं, वही गुण आपके मेद धातु या जो फैट है उसको बढ़ाने वाले भी वो सेम ही है। अगर कफ दोष बढ़ेगा तो आपका मेद जो धातु है वो बढ़ेगा। ये दोनों कफ दोष और मेद धातु, ये दोनों मांस धातु को बिगाड़ते हैं और बॉडी में, शरीर में क्लेद उत्पन्न करते हैं। क्लेद मतलब एक जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा तैयार हो जाता है और वो सब निकल करके आपके पेशाब के जो यूरिनरी सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, और क्लेद जो है वो शरीर से बाहर निकलना चालू हो जाता है पेशाब की मात्रा से। तो ये जब, इसलिए पेशाब में ही मेन प्रॉब्लम आती है। डायबिटीज़ के अंदर भी वैसी ही कंडीशन है, लेकिन शुगर लेवल बढ़ा रहता है उसमें। लेकिन मधुमेह के अंदर शुगर लेवल के लिए हम उसके ऊपर बात नहीं करते, हम पेशाब बार बार होता है और वो शायद मीठा रहता होगा इसलिए चींटियाँ लगती है उसको, इसलिए हम उसको मधु या मीठा मेह ऐसा हम उसको बता सकते हैं। लेकिन इसके 20 जो टाइप्स है उसमें से 10 टाइप जो होते हैं ना वो कपोदोष ज़्यादा होने की वजह से 10 टाइप्स होते हैं। उसमें कहीं पे एकदम थ्रेड की जैसा पेशाब होता है, चिपचिपा जैसा पेशाब होना, जिसमें शुक्र की मात्रा या सीमेन जो है, वीर्य जो है वो निकलता है कभी कभी उसमें, या गन्ने का जो रस होता है उसके जैसा दिखता है, या वैसे ही जैसे हम लोग चावल जो है, चावल का जो आटा होता है अगर पानी मिक्स करेंगे जो कलर बनता है वैसे दिखता है। तो टोटल 20 टाइप है उसमें। इसके साथ साथ जो पित्त दोष अगर ज़्यादा बढ़ता है, कपोदोष, मांस और क्लेद और मेद धातु, ये तो है ही, इसके साथ साथ अगर पित्त दोष अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उसके टोटल जो प्रमेय बनता है उसके टोटल 6 टाइप्स है। उसमें गर्मी लगेगी, पेशाब करते वक्त गर्मी लगेगी, पीले कलर वाला भी पेशाब होता है, साथ ही साथ जलन होती है पेशाब में। ये टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा वात दोष अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मेद धातु, मांस धातु, कफ और क्लेद, ये चारों के साथ साथ वात दोष अगर ज़्यादा बढ़ता है तो प्रमेह के जो उपचार होता है, प्रमेह जो बीमारी होती है उसकी टोटल 4 टाइप्स है। उसमें आपको मधुमेह इसके अंदर आता है वात दोष के अंदर, और ये ठीक होने में थोड़ी तकलीफ देता है। कफ दोष वाले हैं वो ठीक होते ही होते हैं, पित्त वाले हैं वो थोड़े से परेशान करेंगे, लेकिन कफ वात दोष वाले जो है ना वो आपको थोड़े से परेशान ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। इसलिए शायद से मधुमेह को उसके साथ में कंपेयर किया होगा डायबिटीज़ के साथ में, वो बात सब अलग है। लेकिन ये जो प्रमेय है, जो टाइप्स है, टोटल 20 टाइप्स है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पेशाब के ऊपर ध्यान दीजिए कि पेशाब कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसका कलर कैसा है, उसका नेचर या ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है, बूंद बूंद गिर रहा है, ये चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो हम उसके ऊपर भी ज़रूर आप ध्यान दीजिए कि पेशाब किस तरीके से हो रहा है। अगर पेशाब में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर आयुर्वेदिक जो वैद्य है जो अच्छी तरीके से आपको समझा पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वैसी चीज़ें अगर वो बता सकते हैं तो अच्छा है, उनके पास से आप ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा एक जो क्लिनिक है वो श्री साईराम आयुर्वेद, इसी नाम से, औंध पुना यहाँ पे है। हमारा जो क्लिनिक का एड्रेस है और
नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आप ले सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक इलाज बता जाऊँगा जो आप घर में कर सकते हैं, कोई भी टाइप्स हो प्रमेह का, उसके अंदर आप एक एक चीज़ कर सकते हैं। आंवले का रस मिलता है, या फिर अगर फ्रेश आंवला रहेगा उसका रस निकालिए, जूस निकालिए उसका आधा आधा ग्लास, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी मिलाइए। हल्दी मिलाने के बाद थोड़ा सा शहद, आधा चम्मच शहद मिलाइए, अच्छे से मिक्स करिए, उसको एक टाइम, कम से कम एक टाइम दिन में पीना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको बहुत सारी जो आपके सिम्टम्स है या जो प्रमेह है उसमें आपको धीरे धीरे कम होते दिखाई देगा। लेकिन पर्टिकुलरली अगर कोई आपको स्पेशल कोई प्रमेह की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आपको वैद्य के पास जाके नाड़ी परीक्षण करवा के उनको आपका जो पेशाब हो रही है वो किस तरीके से हो रही है उसके आप उनको बताइए, ताकि वो आपको मेडिसिन देंगे, उसके ऊपर इलाज बताएंगे। हम भी आपको इलाज बता सकते हैं, अगर आप हमसे बात करेंगे, हमसे हमारे क्लिनिक में आके बात करेंगे तो भी आप हमें बता देंगे। मेडिसिन डायबिटीज़ के ऊपर या प्रमेह के ऊपर, डायबिटीज़ या प्रमेह के ऊपर मेडिसिन है और वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन डायग्नोस होना ज़रूरी है, उसका निदान होना ज़रूरी है। इसलिए आप वैद्य के पास जाके जांच करवाइए, आप इसमें से ठीक हो जाएंगे। ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी समझ में आए, जिसको डायबिटीज़ या प्रमेह की, जो मधुमेह की बीमारी है, उनको भी इसके बारे में पता चले और सही तरीके से इसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकेंगे, समझ जाएंगे मधुमेह और डायबिटीज़ इस सब के बीच में क्या अंतर है। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को पूरे विश्व में मधुमेह या डायबिटीज़ है, बहुत लोगों को है, इससे उनको फ़ायदा होगा। इसलिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबको शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक नए टाइप के टॉपिक को लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।